गाइस सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल रिव्यू वाला को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा लेटेस्ट रिव्यूज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ए गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से चैनल रिव्यू वाला पे, जहाँ पे मिलेगी आपको सबसे बेहतरीन रिव्यूज, एक्सप्लेनेशन, ट्यूटोरियल्स और भी बहुत कुछ। तो चलिए गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन अनबॉक्सिंग की। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करेंगे और इसलिए गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने अवेलेबल फीड्स और सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और प्लीज़ गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिव्यू वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए एक से एक बेहतरीन कंटेंट्स की रिव्यू और अनबॉक्सिंग लेते हैं। और गाइस प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि अगर किसी को भी ये परचेज़ करना हो मार्केट में कभी भी, तो आसानी से वो रिव्यू वाला की रिव्यू के साथ इसे बहुत ही बेहतरीन परचेजिंग कर सके। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रहा हमारा पैकेज। मैंने कल ही मंगाया है इसे अमेज़ॉन से, कम्प्लीटली ये सील्ड है। तो चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या है। तो ये रहा मेरा प्यारा सा नाइफ, बहुत ही पुराना साथी है मेरा, आज का नहीं है। पता नहीं कितने सारे अनबॉक्सिंग मैंने इसे कर चुका हूँ, बहुत किया मैंने। तो चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ, आसानी से हम बहुत ही केयर के साथ इसे ओपन करेंगे। यार सोच रहा हूँ इसे काट दूँ क्योंकि काफ़ी लूज पैकिंग। चलिए ये रहा हमारा कैंची, मैं इसे हम सीजर से काटेंगे, आराम से काटेंगे। कोशिश करें हम बिल्कुल यहीं से हम कट कर रहे हैं। देखिए यार, जब भी हम आप किसी भी नए प्रोडक्ट मंगाइए तो उसकी अनबॉक्सिंग जो है या उसका कटिंग बहुत आराम से करिए, क्योंकि इन केस अगर कभी आपको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ी तो वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अब जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम इसे आराम से कट करेंगे, बहुत ही आराम से, बहुत ही आराम से, आस्ते आस्ते। बिल्कुल बहुत ही आराम से कट गई गाइस। गाइस सिर्फ रिव्यू वाला पे ही आपको मिलेगी सबसे बेहतरीन रिव्यू, इसीलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ये मस्ट हैव चैनल है, क्योंकि यहाँ आपको छोटी से छोटी चीज़ों की रिव्यू भी आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पैकेट खोल लिया है, अब हम देखते हैं इस पैकेट के अंदर क्या है और अब हम इसे टेक आउट करते हैं। कहाँ गया? बिल्कुल, लेट्स टेक इट आउट एंड या इट्स बिंगो। बेहतरीन गाइस, वाओ, व्हाट अ नाइस थिंग, बहुत ही बेहतरीन। आप देख सकते होंगे ये कितना बेहतरीन लग रहा है स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन है गाइस। अब हम पैकेट को साइड में रख देते हैं। तो गाइस ये रही सैमसंग की EVO Plus 64GB मेमोरी कार्ड। तो ये बहुत ही बेहतरीन पैकिंग है गाइस, बहुत ही बेहतरीन। सैमसंग का ये जो पैकिंग है, ये लेटेस्ट मॉडल है ये 2020। इसके पहले वाले जब मॉडल खरीदोगे तो उसकी पैकिंग इस तरह से नहीं है, ये लेटेस्ट पैकिंग है। ये रीड स्पीड इसकी 100 MB/s और राइट स्पीड 20 MB/s। तो गाइस इसके पहले जो SD कार्ड आता था सैमसंग का, उसमें आई थिंक 90-95 MB/s की रीड स्पीड थी, लेकिन जो लेटेस्ट एडिशन सैमसंग ने मंगाया उसमें रीड स्पीड 100 MB है पर सेकेंड है और राइट स्पीड 20 MB है। आप इसे स्मार्टफोन में भी यूज़ कर सकते हैं, कैमरा में भी यूज़ कर सकते हैं, एक्शन कैम में भी यूज़ कर सकते हैं। और गाइस सबसे अच्छी बात, जो इसका लेटेस्ट फीचर है, जो कंपनी ने सैमसंग ने लेटेस्ट लाया है, कि आप इसे ड्रोन में भी यूज़ कर सकते हो। मतलब ये कंपेटिबिलिटी है, जैसा कि हम लोग कहते हैं यार कि यहाँ ड्रोन है, कोई भी SD कार्ड यूज़ कर दो, लेकिन कोई चीज़ एक्सक्लूसिव होती है। तो यहाँ पे सैमसंग ने ये मार्क किया कि आप इसे ड्रोन में आसानी से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ड्रोन का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके साथ ये परफेक्टली फिट बैठेगा। यहाँ पर आपको मिल जाता है सैमसंग का जेन्युइन लोगो, आप देख सकते होंगे यहाँ सैमसंग इंडिया की मार्किंग है। ये रहा हमारा SD कार्ड। SD कार्ड का मैं कॉन्फ़िगरेशन बता दूँ आपको, माइक्रो SD XC UHS-1 कार्ड क्लास 10। ये UHS-1 है और क्लास 10 है और ये Full HD है, Full HD बिल्कुल सैमसंग SD अडाप्टर फॉर माइक्रो SD। ये SD कार्ड है इसका और हम पीछे अब देखते हैं क्या है। यहाँ पे मार्किंग है UHS-1 कार्ड विथ अडाप्टर मार्किंग है और आइडियल चॉइस फॉर स्मार्टफोन, टैबलेट, डिजिटल कैमरा, ड्रोन्स एंड एक्शन कैमरा।
ये भी बहुत बेहतरीन है गाइस। और ये वाटरप्रूफ है, सबसे अच्छी बात कि ये वाटरप्रूफ है, बिल्कुल ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है। कंपनी ने इसको, सैमसंग ने इसको मेंशन किया है। मैग्नेट प्रूफ है, जैसा कि हम बहुत सारे ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स थोड़ी स्ट्रांग रहती हैं, जैसे कि आप अगर एयरपोर्ट्स में जाओ या रेलवे स्टेशन पे जाओ तो वहाँ पे जो एक्सरे मशीन्स होती हैं वहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी तगड़ी रहती है, तो उसके लिए काफ़ी, उससे कोई डैमेज नहीं होगा। टेम्परेचर प्रूफ, अगर आपका स्मार्टफोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर बाई चांस हीट होता है तो उससे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये टेम्परेचर प्रूफ है। और एक्सरे प्रूफ, यानी कि अगर आप इसे एक्सरे मशीन में डाल दो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमें अपने सारे डिवाइसेस को एक्सरे मशीन के थ्रू पास करना पड़ता है, तो वहाँ पे ये ऐसा कुछ होगा नहीं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गाइस यहाँ पे आपको मिल जाती है 10 ईयर लिमिटेड वारंटी, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, और ऑथेंटिकेशन अवेलेबल, आप इसे ऑथेंटिफाई भी कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक है कि नहीं है सैमसंग की वेबसाइट से। और बिल्कुल, और यहाँ पे आपको मिल जाता है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का लोगो है, और ये मेड इन कोरिया है गाइस। अक्सर ये देखिए सैमसंग का है, मेड इन कोरिया भी हो सकता है, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम, ताइवान, बहुत सारी कंपनी, मतलब सैमसंग ही है लेकिन वो अलग अलग कंट्रीज़ में अपना बनाती है और अलग अलग जगह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर इसका आप देख सकते हैं MB MC64H, और यहाँ पे मॉडल कोड दिया गया है। और गाइस जो यहाँ पे अडॉप्टर दिया गया है ना, इसमें यहाँ लिखा है सैमसंग ने यहाँ पे इसकी मार्किंग किया कि जो अडॉप्टर है ये मेड इन चाइना है और इस पर सिर्फ गारंटी 1 ईयर की। तो गाइस ये बात बहुत ध्यान से देख लीजिएगा कि SD कार्ड पे 10 ईयर की लिमिटेड वारंटी है, समझ रहे हैं, 10 ईयर की लिमिटेड वारंटी है, लेकिन जो आपका जो अडॉप्टर है उस पर सिर्फ 1 ईयर की गारंटी है, यानी कि उसका रिप्लेसमेंट होगा डायरेक्ट और सिर्फ 1 साल की, ठीक है। तो ये आप इसको ज़रूर दिमाग में रखिएगा। थोड़ा सा मैं आपको और स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ इसका, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये नेम ऑफ कमोडिटी यहाँ पे मेंशन किया है, मेमोरी कार्ड, मॉडल कोड भी यहाँ दिया है, नेट क्वांटिटी एक ही पीस है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस यहाँ पे 1899 यानी 1899, ऑलमोस्ट 1900 किया है ये, और इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। ये मई 2020 की प्रोडक्ट है, काफ़ी लेटेस्ट प्रोडक्ट है ये, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक ने इसे मैन्युफैक्चर किया है, ये कोरिया में मैन्युफैक्चर हुआ है और इंडिया में इसे इंपोर्ट किया जाता है न्यू दिल्ली में। और बाकी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते होंगे, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा अडॉप्टर मेड इन चाइना, ये आपको दिख रहा होगा। और मैं थोड़ा सा और चीज़ों को जूम करता हूँ, 10 ईयर लिमिटेड वारंटी, SD कार्ड, और ये कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, आप चाहें तो आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल, तो गाइस ये रहा हमारा पूरा सैमसंग का EVO प्लस SD कार्ड, बहुत ही बेहतरीन पैकिंग है, पैकिंग बहुत अच्छी है, सॉलिड एकदम पैकिंग है इसकी, और बहुत ही बेहतरीन गाइस, दिल जीत लिया सैमसंग ने। तो चलिए गाइस ये थी इस पूरे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, सैमसंग EVO प्लस SD कार्ड 64GB रिव्यू वाला के हिसाब से। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसकी एक डिटेल्ड रिव्यू करूँ, डिटेल एनालिसिस करूँ, चाहे मैं इसको फ़ोन में लगा के या हम इसे फ़ोन में कैसे लगा सकते हैं, बाकी जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उसमें कैसे सपोर्ट होगा, या इसकी स्पीड क्या है, राइट स्पीड क्या है, कंप्यूटर में स्पीड क्या है, हार्ड डिस्क है, मतलब इसका एक मैं कंप्लीट डिटेल एनालिसिस आपको इसका करके बताऊँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए गाइस मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा ज़रूर, और प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिव्यू वाला को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए उसे, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने वैल्यूएबल फीड्स और कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ, वो अनबॉक्सिंग भी हो सकती है, रिव्यू भी हो सकता है, ट्यूटोरियल भी हो सकता है। तब तक के लिए रिलैक्स रहिए, बिंदास रहिए, मस्त रहिए, टेंशन फ्री, इट्स दैट सिंपल। थैंक यू।